उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद बयान दिया कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हूं, बीजेपी से मेरा कोई वास्ता नहीं। कांग्रेस पार्टी रोजगार विकास की बात करती है, बाकी दल इन मुद्दों पर बात नहीं करते। हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने उनसे खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले मनीष खंडूरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे का क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा मेरी विचारधारा से मिलती है और मेरा ये मानना है कि अगर आप आज की राजनीतिक जिंदगी देखिए तो हमें असली मुद्दे और जो एक्चुअल डिस्कशन है वो करने चाहिए। असली मुद्दे ये हैं कि आपके देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, घटी नहीं है। असली मुद्दा यह है कि हमें फोकस करना है एजुकेशन पे, शिक्षा पे। तो आप अगर विचारधारा देखेंगे और अगर कांग्रेस की विचारधारा देखेंगे, मैं और किसी पार्टी की विचारधारा के बारे में बात नहीं करूँगा, पर कांग्रेस की विचारधारा जो है वो मेरी विचारधारा से सबसे करीब है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनने के बाद मैं किस तरह से कांग्रेस को सपोर्ट करूं और सहायता करूं। किस तरीके की सर जिम्मेदारी मिली है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या तैयारी आपकी? मैंने जिम्मेदारी के लिए तो कोई ज्वाइन नहीं किया ना अभी, तो अभी मेरा मैंने जो ज्वाइन किया तो 16 तारीख को होगी। अभी आगे देखिए, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी वो मैं करूंगा उसमें। आपके पिताजी बीजेपी के बड़े नेता हैं उत्तराखंड में और आप कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीजेपी से अलग हटने का क्या मतलब मेन वजह रही है? नहीं, आप देखिए, आप भाजपा से आप अलग हटने का आप कह रहे हैं, तो मैं भाजपा का भी सदस्य नहीं था, मैं कभी मेंबर नहीं रहा हूं, तो अलग कैसे अलग हटने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और भाजपा देखिए, भाजपा में अच्छे नेता हैं, पर अगर मेरी विचारधारा ही अलग हो तो फिर मैं तो कांग्रेस ज्वाइन करूंगा क्योंकि मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ है। और मैं यही आपको दोहराऊंगा कि हटेगा आदमी जब जो किसी के साथ था। मैं तो भाजपा में था ही नहीं और वो लोग भी वही कह रहे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ मनीष खंडूरी थे, जिनका कहना है कि कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, आगे जिस तरीके का आदेश पार्टी का होगा उसी हिसाब से वो कांग्रेस में काम करेंगे। कैमरामैन कमल के साथ अमित चौधरी, जनतंत्र टीवी।